अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ये आखिरी टॉपिक चल रहा है, तो एक दो दिन में ये कंप्लीट हो ही जाएगा। तो आपको पता है कि हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, तो फ्रिक्शन में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था और हमने लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन भी पढ़ा था। मतलब अगर ये जो फ्रिक्शन होती है ये तब तक नहीं आती जब तक दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में ना आए, और इतना ही काफी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी जरूरी होता है। जैसा कि मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं यहां पर, अगर मेरे पास एक बॉडी है सपोज इसका मास m है, जब तक ये किसी और दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में ना आ जाए तब तक फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं आए। तो अब ये कांटेक्ट में आई क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये एक्चुअली ये एक कंपोनेंट होता है किसका, कांटेक्ट फोर्स का। और कांटेक्ट फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक दो बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट ना करें। यहां पर ये दो बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट कर गए तो इसका मतलब ये है कि यहां पर फ्रिक्शन आ सकती है। अब तब तक फ्रिक्शन नहीं आएगी, फिर से नो डाउट ये कॉन्टैक्ट में आ गई। तो दैट इज वे मैं आपको बोल रहा हूं कि जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती है तो आप जल्दी ये मत बोले कि फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक अब एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाएगा, एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाएगा। जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा किसके पैरेलल, पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये हमेशा एक्ट करता है अलोंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट होता है, यहां पर जो आपको ये लाइन दिखती है, एक्चुअली ये एक पेज है मगर यहां पर आपको एक लाइन दिख रही है तो वही यहां पर है। तो इसी पेज के अलोंग या इसी सरफेस के टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है किसको, अप टू द एक्सटर्नल फोर्स बट अलोंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट यहां पर ये है तो इसके अलोंग फ्रिक्शनल फोर्स अब लगेगा। अब कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये डिपेंड कर रहा है कि बॉडी किस में है। तो अगर ये जो मैंने यहां पर फोर्स अप्लाई किया तो ये एक्सटर्नल फोर्स चलो मान लेते हैं एफ है, कितना है एफ। तो यहां पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है तो सपोज उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, एफ लग गया, क्योंकि ये स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स तब तक नहीं लगेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए बॉडी पे, ठीक है। तो अब अगर इस फोर्स की वजह से ये बॉडी मोशन में नहीं आई, बट मैंने आपको बोला कि उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन। नो डाउट द बॉडी इज नॉट एक्चुअली इन मोशन, द बॉडी इज गोइंग टू येट टू अचीव द मोशन। ये अभी मोशन को अचीव करेगा मगर अभी नहीं किया, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो इस वाली सिचुएशन को बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन। नो डाउट जो इंपेंडिंग मोशन वाली स्टेट होती है वो रेस्ट वाली स्टेट होती है। तो ये बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि इस फोर्स, ये फोर्स इस बॉडी को इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये मोशन में आनी चाहिए। बट अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो वापस एक और फोर्स लगना चाहिए इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और उस फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन, याद है आपको, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने बोल दिया आपको कि इट इज ये तब तक नहीं आता जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो वही होता है जितना एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा उस पे। तो इसका मतलब ये है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन, मगर ये डिपेंड किसी पे नहीं करता, ये सिंपली डिपेंड एक्सटर्नल फोर्स पे करता है कि वो कितना है। जब तक बॉडी रेस्ट में है जितना फोर्स यहां से लग रहा है उतना यहां से भी लग रहा लगना चाहिए क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। तो दैट इज व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है या इसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द एक्सटर्नल फोर्स। जितना एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी होता है। अब मैं क्या करता हूं कि इस एक्सटर्नल फोर्स को मैं बढ़ाते जा रहा हूं, जब एक टाइम आ गया कि अब उसके बाद ये अब मोशन में आने लग जाए, एक ऐसा स्टेज आ जाएगा क्रिटिकल स्टेज कि अगर मैं और एक्सटर्नल फोर्स अब अप्लाई कर दूं तो बॉडी मोशन में आ जाए, तो उस टाइम भी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो उस वाली स्टेट को हम बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि
अब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बॉडी को मोशन में नहीं ला पा रहा है। अगर हम थोड़ी बहुत इसमें बढ़ोतरी करें, ये एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा बहुत बढ़ा दें, तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन Fs max से डिनोट करते हैं, या सीधे लिमिटिंग लिखते हैं नीचे। तो आपको मैंने ये बोला है, इसके रिलेशन मैंने निकाली है, मैं रिवाइज कर रहा हूं कि ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है और इसका वैल्यू आता है म्यू एस एन। और ये जो म्यू एस है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका वैल्यू मैंने आपको बोला था कि इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। हाँ, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा भी जाता है, 0 to 1 इसका यूजुअल वैल्यू होता है, मगर 1 से इसका 1 से भी ज्यादा इसका वैल्यू होता है, मगर वो एक एक्सेप्शनल केस है जब एल्युमिनियम एल्युमिनियम पे हो, मतलब कि ये बॉडी और ये बॉडी दोनों बॉडीज किसकी बनी हो, एल्युमिनियम की। क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक्चुअली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरिजिन का है, मतलब यहां मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, तो ये डिपेंड करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या है। तो एल्युमिनियम पे ज्यादा होती है, बहुत कम सेपरेशन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये फोर्स ज्यादा आ जाता है, तो दैट इज उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाता है व्हेन इट इज एल्युमिनियम मेड बॉडी ऑन एल्युमिनियम मेड बॉडी। समझ में आया? तो बहुत अच्छा। तो इट वाज दी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। नो डाउट जब ये वाला स्टेट आ जाएगा, इसमें भी बॉडी किस में होगी, रेस्ट में। मगर अगर अब आपने बॉडी को ये फोर्स थोड़ा बढ़ा दिया, एक्सटर्नल फोर्स, तो अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, चलो मैं इसको बढ़ा दूं, किससे बढ़ा दूं कि अब ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन को भी पार करे, मतलब कि अब बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी, अब किस में आ जाएगी, मोशन में। तो अब एक्सटर्नल फोर्स जो है, इफ एक्सटर्नल फोर्स अगर अब बढ़ गया किससे, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसका मतलब कि एफ एस मैक्स से, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उससे थोड़ा बहुत अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, अब मुझे बताओ ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, अब इससे बढ़ गया तो अब वो रेस्ट में नहीं रहेगी, स्टैटिक नहीं रहेगी, बिकॉज इट वाज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इससे बढ़ गया एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू से भी बढ़ गया, तो बॉडी किसमें आ जाएगी, मोशन में। किसमें आ जाएगी, मोशन में। तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जब बॉडी अब किस में होगी, मोशन में, अभी तक मोशन में नहीं थी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, तो मोशन में आना चाहती है, तो लिमिटिंग स्टेट है, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं कह रहा हूं कि अब बॉडी मोशन में आ गई, तो जब मोशन में आ जाएगी, जो आपको फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स जो यहां पर लगेगा, अपोजिंग फोर्स जो लगेगा यहां पर, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो टॉपिक यही है कि काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा टॉपिक बनेगा आज। तो आप मुझे बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कब आएगा, ये तभी आएगा जब ये बॉडी और ये बॉडी ये एक दूसरे के मुताबिक मोशन में है, यानी कि देयर इज आर एक्चुअली रिलेटिव मोशन, तो इनके बीच में मोशन है, मतलब कि ये वाली बॉडी इस बॉडी के मुताबिक स्लाइड हो रही है, मोशन में है, स्टैटिक नहीं है। तो उस टाइम जो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स लगेगा, जो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, अपोजिंग फोर्स जो लगेगा, उसको बोलते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब आती है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के मुताबिक मोशन में आ जाए, जो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो उस वाली फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। मगर प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, ये भी डिपेंड किस पे करती है, नॉर्मल रिएक्शन पे। जितनी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी, जितना इसका वेट ज्यादा होगा, यानी कि उसके मुताबिक अब नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि आपको मैंने नॉर्मल फोर्स पढ़ाया है। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा, तो वो लेक्चर इसमें है, तो वो पहले पढ़िएगा। तो जैसा मैंने ये भी दिखाया था, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, एफ के सबस्क्रिप्ट के लिखते हैं, तो ये भी प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है।
तो जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो, जितना नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा तो उतनी काइनेटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा आ जाएगी। नो डाउट यहां पर बॉडी मोशन है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी, तो यहां पर ये मोर ऑर लेस वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है। बॉडी की कितनी भी वेलोसिटी रख दो, कम रखो या ज्यादा रखो, मतलब कि मोशन है ना तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो यहां पर ये वेलोसिटी पे अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वेलोसिटी से उतनी फर्क नहीं आती इस फोर्स को। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, कांस्टेंट को बुलाओ या कोएफिशिएंट को बुलाओ, तो यहां पर आता है म्यू के। तो वायर म्यू के इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस म्यू के को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन जो यहां पर म्यू एस है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर देखिए, तो मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम लिमिटिंग ये स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा उसका वैल्यू आ जाएगा म्यू एस एन, और यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या वैल्यू आता है म्यू के एन। तो मतलब जब बॉडी स्लाइड हो रही है एक दूसरी बॉडी के ऊपर तो जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, तो उसका वैल्यू कितना आता है, ये आता है म्यू के एन। अगेन मैं बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट रिलेशन, ये एक्यूरेट रिलेशन नहीं है, दीज आर अप्रोक्सीमेट रिलेशन, ताकि हम ट्रू वैल्यू के करीब पहुंच जाए, हम ग्राउंड सिचुएशन के करीब पहुंच जाए। एक्चुअली दीज आर नॉट द एक्यूरेट इक्वेशन, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर एफ के जो है काइनेटिक फ्रिक्शन जो अब आ जाएगी जब बॉडी मोशन में होगी, तो उस टाइम ये म्यू के एन के बराबर होता है। तो एन तो आपको पता है नॉर्मल फोर्स आपको डायरेक्शन में लग रहा है, और एफ के इधर वाली डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। मगर अगर आप यहां पर देखें तो ये वेक्टोरियली भी इनकरेक्ट रिलेशन है, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बोला, क्योंकि इक्वालिटी फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, नॉर्मल फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इसके डायरेक्शन में होना चाहिए अगर हम इस रिलेशन के मुताबिक जाए। तो आप यहां पर वेक्टोरियल इनको नहीं लिख सकते, बिकॉज दिस इज वेक्टोरियली एन इनकरेक्ट रिलेशन, ये इनकरेक्ट रिलेशन है। मगर एक चीज याद रखिएगा, दीज आर अप्रोक्सीमेट रिलेशंस, ताकि आपको कुछ ग्राउंड सिचुएशन के करीब पहुंच जाए, समझ में आया। तो इसका मतलब यह है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के मुताबिक मोशन में आ जाए तो उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं, उसका वैल्यू होता है म्यू के एन। तो अब आपको पता है कि ये जो म्यू के होता है या म्यू एस जो होता है, ये तब आता है जब बॉडी किस में होती है, रेस्ट में, मगर लिमिटिंग स्टेट पे। तो मैंने इससे पहले भी बोला आपको कि जब भी फ्रिक्शन में आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाएगी, तो पहले ये वाली कंडीशन निकालिए, आप देखिए कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग जाएगा। तो क्योंकि आप तब जाके बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है, अगर इसका वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन निकला, कितना निकला 10 न्यूटन, इसका मतलब कि ये वाली जो बॉडी है ये 10 न्यूटन तक रेजिस्ट करेगी, रेस्ट में रहेगी। 10 न्यूटन से बड़ा अगर फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स लग गया तो ये किस में आ जाएगी, मोशन में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। तो यही है वो रिलेशन एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन, जो आपको ये डिसाइड करके देगी कि बॉडी मोशन में है कि बॉडी रेस्ट में है, यानी कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा ये वाली रिलेशन निकालनी पड़ेगी, मैं अभी आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। तो अब मसला ये है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये निकलती है म्यू के एन, मगर आपको मैं यहां पर बता दूं, यहां पर भी एफ एस मैक्स किसके बराबर, म्यू एस एन, एन जितना यहां पर है उतना यहां पर भी होगा। अब ये निर्भर करता है कि म्यू एस ज्यादा होता है कि म्यू के, मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज यूजुअली एक सेकंड, ये मार्कर नहीं लिखना। तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू ग्रेटर देन होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के बराबर।
तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज, जो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यूज जो होते हैं, दीज हैव नो यूनिट, दीज हैव नो डायमेंशनल फॉर्मूला, दीज आर सिंपली प्योर नंबर्स एंड देयर वैल्यू ऑलवेज यूजुअली लाइज बिटवीन 0 और 1. इसका भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, इसका भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है. तो इसका मतलब है कि अब सर कह रहा है कि म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के, तो इसका मतलब है कि म्यू के छोटा होता है म्यू एस के मुताबिक. इसका मतलब है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो छोटी होगी, कम होगी एज कंपेयर टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की. तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू कम होता है, जो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि मैं यहां पर एक बात बता दूं. देखिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये इसके ऊपर दूसरी बॉडी है. अब ये रेस्ट में है तो मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मगर ये रेस्ट में है तो मैं अल्टीमेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया. तो अगर मैं अब थोड़ा बहुत एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दूं तो ये किस में आ जाएगी, मोशन में. तो उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. बताइए उसका वैल्यू कितना होगा, जितना एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, तो यहां वो निकाल भी सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन व्यूअर्स. अब मुझे एक बात बता, अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दिया, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दिया तो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में. अब मुझे एक बात बताओ, जब ये मोशन में आ जाएगी अब कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी, अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगी, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी. अब जो फ्रिक्शन आ जाएगी वो कम होगी एज कंपेयर टू जो इससे पहले थी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के मुताबिक, वो कम होगी. अब आप बोलेंगे कि सर अब वो कम क्यों होगी, क्योंकि अब जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स बनता था वो उसको अब टाइम ही नहीं मिलता कि वो फिर से फोर्स एक्सर्ट करे. या मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट हो रहे हैं या इंटरलॉकिंग जो हो रही है उसको टाइम ही नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द इनर्शिया. तो क्योंकि बॉडी अब मोशन में आ गई ना, तो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स अब है वो ऊपर वाली बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे वाली बॉडी के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि वो मोशन में है. दैट इज व्हाई उनके बीच में फ्रिक्शन कम होती है, क्योंकि टाइम यहां पर उसको नहीं मिलता है कि वो फोर्स एग्जर्ट करे. समझ में आता. तो यहां इन द सिंपलेस्ट वे, तो यहां मैं ऐसी बात बता दूं कि जो यहां पर जो प्रोजेक्शंस होंगी और यहां पर जो डिप्रेशंस होंगी, जो इंटरलॉकिंग होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन आती है, ये सिंपलेस्ट वे है. अगर किसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के फोर्स समझ नहीं आ जाएगा तो वो ये सोचते कि जब ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर चली गई तो जो अब इसमें प्रोजेक्शंस है और जो इसमें डिप्रेशंस है तो यहां पर इंटरलॉकिंग जो होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन आती है तो वो इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता. अरे गेटिंग मी, दैट इज वाई कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ये स्लाइटली स्मॉलर देन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होती है. तो अगर मैं यहां पर एक इसका ग्राफ बना दूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा. मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर y एक्सिस लेता हूं और x एक्सिस लेता हूं. चलो y एक्सिस के, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स. तो इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स पे. तो दैट इज माई एक्सटर्नल फोर्स. आपको किस एक्सिस पे लेना है, x एक्सिस. तो इस डायरेक्शन में लेता हूं एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स. तो इधर मैं लेता हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस और एक्सटर्नल फोर्स टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस है. समझ गया, ये पॉजिटिव y एक्सिस के आगे. तो आपको पता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाएगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि अगर आप यहां से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर एक्सटर्नल फोर्स अब जीरो है तो पता ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, वो भी जीरो होगा. और अगर मैं फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दिया तो स्टैटिक बॉडी अभी रेस्ट में ही है, मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ये भी रेस्ट में ही है, तो यहां से कितना फोर्स लगना चाहिए, उतना बराबर जितना यहां से लग रहा है क्योंकि ये रेस्ट में है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसे कहते हैं. तो आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, वो होती है सेल्फ एडजस्टिंग. इसका मतलब है कि जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना फ्रिक्शनल फोर्स, जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ये, जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इसका मतलब ये कि ये एक टाइम तक ये स्ट्रेट रहेगी. तो इसका मतलब ये कि जितना एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है उतनी तेजी के साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है. तो इसका मतलब कि ये वाली बॉडी, अगर मैं यहां पर ये देखूं, यहां तक ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है. क्या है,
स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इसका मतलब है कि जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में रहती है, तो दैट इज वाई ग्राफ जो है वो लीनियर आ जाएगा, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, दैट इज वाई ये ग्राफ लीनियर आ गया। अब मैं क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहा हूं, तो एक स्टेज ऐसा आ गया वो ये वाला स्टेज है कि अब बॉडी हिलने लग गई मगर अभी भी रेस्ट में है, तो उस वाली स्टेट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग स्टेट, यानी कि उस टाइम जो फ्रिक्शन होगी उसको बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां तक ही रेस्ट में है मगर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और इसको बोलते हैं एफ एस मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके और मैं एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दूं तो ये एक्सटर्नल फोर्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स यहां पहुंचा तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पहुंची, तो एक्सटर्नल फोर्स जब यहां पहुंचा तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहां तक पहुंची, ये वाला वैल्यू पहुंचा, तो इसका मतलब कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके बाद अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दूं, अब मुझे एक बार बताओ तो कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, और आपको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, तो अब आ जाएगी कौन सी फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वो लगभग कॉन्स्टेंट ही रहती है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा कि अब जब आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाएंगे बॉडी मोशन में आ जाएगी और ये वाली जो फ्रिक्शन होगी ये है एफ एस मैक्स, तो ये वाली जो अब फ्रिक्शन का वैल्यू होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो होगा एफ के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वो लगभग कॉन्स्टेंट रह रहा है। क्यों रह रहा है कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता वेलोसिटी पे, वो वेलोसिटी पे अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट है, दैट इज वाई यहां से यहां तक आपको स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगी और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो टॉप वैल्यू होगा वो होगा एफ एस मैक्स, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसके आगे जो फ्रिक्शन आएगी क्योंकि आप बॉडी मोशन में आ जाएगी उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू उससे कम होता है। दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहा है, तीनों के तीनों फ्रिक्शन फोर्स लागे, मगर न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी दे रहा हूं, जब भी आपको फ्रिक्शन पे क्वेश्चन आ जाएगा तो एक चीज करेगा, पहले ये वाला जो वैल्यू है ना, कौन सा वैल्यू, टॉप वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू, यानी कि एफ एस मैक्स, इसको निकालिए। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि जब आप ये वाला वैल्यू निकालेंगे ना फिर आप देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स कितना, अगर वो इससे कम होगा तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, अगर वो इससे ज्यादा होगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। समझ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द डिसाइडिंग पैरामीटर, एफ एस मैक्स जो रिलेशन है जिसका वैल्यू आपको पता है कि म्यू एस एल के बराबर होता है, ये हमेशा आप यूज करिएगा, क्योंकि यही आपको बोलेगा कि मैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हूं, तो इस बॉडी, ये बॉडी इस वैल्यू तक रेस्ट में रहेगी जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अगर इसका वैल्यू 10 आ गया तो 10 तक अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गया, एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, अप टू 10 न्यूटन तक, यह बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। इससे ज्यादा आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, मोशन में आ जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाली रिलेशन निकालिए, ठीक है। तो अब यहां पर इन चीजों को यूज करके हम एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको पता चले कि सर क्या कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहां पर मैं एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा आपको, तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा कि जो अभी तक हमने पढ़ा कि स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो फ्रिक्शन का जो भी क्वेश्चन आ जाएगा अब आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। चलो मेरे पास ये एक बॉडी है, सपोज इसका मास जो है वो 10 kg, कितना है 10 kg, और फ्रिक्शन फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक ये किसी और बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में ना हो। चलो ये इस वाली बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में है, चलो वो मैं ऐसे बनाता हूं, तो ये 10 केजी वाली जो बॉडी है तो इन दो के बीच में जो कॉन्टेक्ट है, तो सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट जो यहां पर है, कॉन्टेक्ट सरफेस, तो उसका कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इस बॉडी का सरफेस और उस बॉडी का सरफेस के बीच में जो वैल्यू होता है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्फेसिस पे, कि ये दो सर्फेसिस जो मिल रहे हैं वो कैसी है। तो दोनों सर्फेसिस के लिए जो म्यू एस का वैल्यू है वो सपोज 0.5, कितना है 0.5, आपको पता है कि सर 0 और 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है, और ये भी आपको पता है कि इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला, और म्यू के जो है
कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो 0.,  चलो मैं 4-5 मानता हूं, चलो इसको 5-0 मानते हैं, क्योंकि ये भी मैंने आपको बोला कि काइनेटिक फ्रिक्शन यूजुअली स्मॉलर देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के मुताबिक बहुत कम होते हैं, कम होती है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज दिए गए हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी। और ये कहा गया कि इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, चलो वो पी है, कितना है पी, तो वो पी क्या है, उसके लिए इसने दो केस दिए हैं। पी इज, पहला केस पी इज 40 न्यूटन, कितना 40 न्यूटन, यानी कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो आप फ्रिक्शनल फोर्स निकालिएगा। और दूसरा केस है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है ये एक, पहली बार आपने कितना ले लेना 40 न्यूटन, और दूसरी बार ये बोल रहा है कि आप ये 60 न्यूटन ले लीजिएगा, कितना 60 न्यूटन। तो इसका मतलब ये दो क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल फोर्स अभी कितना लग रहा है 40 न्यूटन, पहला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 40 न्यूटन नहीं लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स कितना लेंगे 60 न्यूटन। तो अब क्या क्या निकालना है, अब आपने निकालना है फाइंड, क्या क्या निकालना है आपने, पहली बार एक्सेलरेशन, इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी जब एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन होगा तो एक्सेलरेशन निकालनी है। दूसरी चीज जो हमने निकाली है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालिएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या वैल्यू रहेगा वो भी आपको निकालना है। एक और चीज निकालेंगे, चलो वो भी निकालेंगे। तीसरा चीज हम निकालेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू क्या निकलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला केस क्या हम लेंगे कि जब कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, तो यहां पर करते हैं इसको। तो केस फर्स्ट, व्हेन, वो क्या है, जब एक्सटर्नल फोर्स जो पी है एक्सटर्नल फोर्स ये कितना है 40 न्यूटन, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पे वो है 40 न्यूटन। और एक और बात यहां पर कही गई है कि जहां पे आपको जी का वैल्यू चाहिए तो जी का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिएगा, जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो करते हैं, आपको मैंने पहले बोला कि हम पहले क्या निकालते हैं, हम पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, यानी कि हम पहले, चलो आप कोएफिशिएंट ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालिए, क्योंकि वही आपको बोलेगा कि ये किस वैल्यू तक रेस्ट में रहेगी। तो हम क्या निकालते हैं, पहले हमेशा फ्रिक्शन में जो भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पहले क्या निकालिएगा, कोएफिशिएंट ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स, हियर हम पहले निकालेंगे एफ एस मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आ जाएगी, आपको पता है वो किसके बराबर होती है, म्यू एस एन के बराबर, और यहां पर म्यू एस कितना है, म्यू एस आपको 0.5 है, तो 0.5 एन, एन कितना है आपको यहां पर नॉर्मल फोर्स निकालना है, बट आपको पता है कि बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, तो इसका मतलब कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, नीचे वाली डायरेक्शन में वेट लगेगा, सही बात, और वेट कितना होता है mg, तो इस डायरेक्शन में क्या बॉडी चल रही है, नहीं चल रही है, तो नेट फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में, जीरो, तो इसका मतलब कि ये इसके बराबर होना चाहिए, वही तो हो गया ना नेट फोर्स जीरो, ये ऊपर लग रहा है तो वेट नीचे लग रहा है, तो अब नॉर्मल फोर्स का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर, क्यों, क्योंकि ये इस वाली डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं हो रही है एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में दो ही फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तो n का वैल्यू किसके बराबर होगा, mg के बराबर, तो n का वैल्यू mg के बराबर लिख लीजिएगा, तो आपको 0.5 m कितना है, m आपको पता है 10 कीजिए, तो 10 ले लीजिएगा, और जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसा सिस्टम का उपयोग करिए, क्योंकि आपको फिर कहीं पे परेशानी नहीं आ जाएगी, g का वैल्यू आप कितना लेंगे, तो 10, तो आपको पता है कि ये आपको न्यूटन में निकलेगा, तो 10 इंटू 10 हो गया 100, 100 इंटू 0.5, तो आपको पता है कि दिस विल बी 50, तो 50 न्यूटन, समझ में आया, तो इसका मतलब यह है ये 1/2 हो गए ना, 2, 5 और 10, 5, 10 और 50, समझ में आया, तो 50 न्यूटन क्या है, एफ एस मैक्स, यानी कि
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा उसका, 50 न्यूटन। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एक्सटर्नल फोर्स अगर 50 न्यूटन तक लग जाएगा तो बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में। ये आंसर कहीं नहीं आ जाएगा आपको। ये आपको बस ये बोल रहा है कि जो ये बॉडी है ये 50 न्यूटन तक झेल सकती है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 50 न्यूटन तक लग गया तो बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में। 50 से ज्यादा हो गया तो वो मोशन में आ जाएगी, यानी कि फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमें एक्सटर्नल फोर्स कितना दिया गया है, तो 40 न्यूटन। तो हियर नाउ जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है? 40 न्यूटन। और ये कितना झेल सकती है, कितने फोर्स तक ये रेस्ट में रह सकती है? क्योंकि मैंने बोला आपको कि हमेशा पहले लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाली 50 न्यूटन। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है? यहां से 40 न्यूटन लग रहा है। और ये यहां से यहां तक कितना झेल सकता है? 50 न्यूटन नहीं लिखना है, 50 न्यूटन तक झेल सकता है ये, यानी कि 50 न्यूटन तक ये रेस्ट में रह सकती है। तो यहां से 40 न्यूटन लग रहा है और वो 50 न्यूटन तक, मतलब यहां से जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो अगर 50 न्यूटन तक भी लग जाएगा ना, तो फिर भी बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी। तो अभी बताइए यहां से एक्स्ट्रा फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 50 न्यूटन। मतलब कि 50 न्यूटन तक ये रेस्ट में ही रहेगी, तो 40 न्यूटन ही है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पी इज 40 न्यूटन विच इज लेस देन एफ एस मैक्स। जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो वो कितना है? 50 न्यूटन। क्योंकि मैंने आपको बोला कि दिस इज द डिसाइडिंग पैरामीटर, डिसाइडिंग रिलेशन, यही आपको बोलेगा कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। तो एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन है, तो इसका मतलब है कि ये बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में। जब रेस्ट में रहेगी तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। बहुत अच्छा। तो पहला आंसर therefore acceleration is equal to zero हो गया। ये वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा? आपको पता है कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी? बॉडी रेस्ट में है तो कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होती है? एक्स्ट्रा फोर्स के बराबर। क्योंकि मैंने आपको बोला स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जितना एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है उतना यहां से भी लग जाएगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। तो बताइए फ्रिक्शन ऑफ फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहां पर कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो स्टैटिक लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से कम आ रहा है, तो बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में। तो रेस्ट का मतलब है जितना यहां से फोर्स लग रहा है उतना वहां से भी लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगना चाहिए? जितना एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन है तो वो भी 40 न्यूटन ही लगेगा। ये मत समझिए कि वो 50 न्यूटन लग रहा है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये 50 न्यूटन लग रहा है, ये मैं ये कह रहा हूं कि ये 50 न्यूटन तक यहां पर इसको रेस्ट में ही रहेगा जब तक एक्स्ट्रा फोर्स 50 न्यूटन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी। अब हमने क्या निकाला? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आपको पता है कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। क्योंकि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं? और ये जो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स। सो दीज आर द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किस दिशा में लगेगा? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिव्स लगेगा। तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि ये दोनों के दोनों किसके कंपोनेंट है? कॉन्टैक्ट फोर्स के। तो दोनों कौन से कंपोनेंट है? इनके बीच में एंगल क्या है? इनके बीच में एंगल 90 है। तो इसका मतलब कि जो ये है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वो रिजल्टेंट किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो ये जो यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट क्या है? फ्रिक्शन। वो कितना है? 40 न्यूटन है कि नहीं? तो 40 का स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन। वो कितनी है नॉर्मल रिएक्शन? आप यहां पर देखिए mg, n = mg, mg कितना हो गया? 10 × 10 100, वो हो गया 100। तो 100 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे 40 स्क्वायर, आपको पता है वो हो गया 40 स्क्वायर 1600 प्लस 1000। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 107.7, क्योंकि मैं कैल से देखा।
107.7 इतना न्यूटन, इतना न्यूटन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप बोलेंगे कि सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा क्यों नहीं आया? अरे ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा भी आएगा, थीटा यहाँ पर 90 है ये और ये कंपोनेंट के बीच में, तो कॉस 90 हो गया जीरो, दैट इज बाय सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहला केस क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन भी निकाली, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी निकाला और कॉन्टैक्ट फोर्स भी निकाला। अब दूसरा केस देखते हैं जब एक्शन फोर्स कितना, बट आपको अब पता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है उसको मैं यहां पर नोट करता हूं। एफ एस मैक्स जो निकलेगा वो कितना निकलता है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन तक ये विदस्टैंड कर सकता है। तो अब हम सेकंड केस लेते हैं, तो बताइए सेकंड केस कितना है। सेकंड केस जो है अब व्हेन पी इज इक्वलेंट टू, पी किसके बराबर है एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन, अब 60 न्यूटन है तो फिर से आप वही रिलेशन लिखेंगे एफ एस मैक्स किसके बराबर निकलता है, तो वो मैंने पहले निकाल के रखा है कितना है 50 न्यूटन, तो यहां पर लिखेंगे हियर जो एफ एस मैक्स है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कितना निकलता है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन तक ये झेल सकता है। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 60 न्यूटन, वो 50 न्यूटन तक ही उसको विदस्टैंड कर सकता है, मगर अब कितना लग रहा है 60, बताइए एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन, सो क्लियर नहीं। यहां से साफ साफ दिखाई देता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है पी, पी जो है 60 न्यूटन, दैट इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। तो बताइए बॉडी किसमें होगी, द बॉडी जो यहां पर जो बॉडी है द बॉडी इज इन मोशन, तो बॉडी मोशन में होगी, किसमें होगी मोशन में। अगर ये मोशन में मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मार्कर थोड़ा डिम दिख रहा है, एक सेकंड, तो बॉडी किसमें रहेगी द बॉडी इज इन मोशन, सो कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी, सो काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, कौन सी फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो नाउ क्योंकि अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आ जाएगी, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन आती तो हम जितना एक्शन फोर्स होता उतना स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी होता, मगर अब आपको पता है कि अब यहां से कितना लग रहा है 60 न्यूटन, और यहां से जो फ्रिक्शन लग जाएगा वो कौन सा होगा एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, तो बताइए वो कितना होगा एफ के, वो किसके बराबर होता है म्यू के एन के बराबर, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है ये कि एफ के जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो म्यू के एन के बराबर होता है, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के, हाउ मच इज म्यू के 0.45 इंटू क्या होगा एन, एन तो आपको पता है एम जी, एम हो गया 10 और जी पी हो गया 10, तो वो हो गया 100, समझ में आया। तो इसका मतलब ये कि एफ के जो वैल्यू आ जाएगा तो ये डिवाइड बाय 100 तो 45 न्यूटन आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कि काइनेटिक फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमें पता चल गया वो कितना लग गया, वो 45 न्यूटन लग रहा है, तो इधर की ओर 45 न्यूटन लग रहा है और इधर की ओर 60 न्यूटन लग रहा है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालनी है इस डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में अगर ये निकालना है एक्सेलरेशन तो फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन तब तक नहीं आती जब तक फोर्स ना लग जाएगा, तो अब हमें पता है कि यहां से 60 न्यूटन लगा और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कितनी लग रही है 45 न्यूटन, तो बताइए नेट फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, सो नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि हमें नेट फोर्स के साथ होता है, तो नेट फोर्स आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एफ नेट फ्रॉम द न्यूटन सेकंड का मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपको पता है ये 60 है ये 45 है, 60 इधर की ओर और 45 इधर की ओर, तो ज्यादा किधर की ओर है उधर की ओर, तो बॉडी किधर की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा उधर की तरफ, तो वो पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना, ठीक है तो पॉजिटिव लिया, तो एफ नेट बताइए एफ नेट कितना लग रहा है 60 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 60 लिख लीजिएगा प्लस 60, और इस डायरेक्शन में 45 नेगेटिव डायरेक्शन में तो -45, ये हो गया ना नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि आपने ये सब पढ़ा है कि नेट फोर्स को कैसे लिखते हैं, तो इतना नेट फोर्स लग रहा है, ये है एक्सटर्नल फोर्स, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है, तो मास, मास का है 10 और आपको यहां पर ए का वैल्यू पता चल जाएगा, तो 60 - 45 हो गया 15 इज इक्वल टू 10 इंटू ए,
तो यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 15 डिवाइडेड बाय 10, वो हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पास जो आया तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन भी निकाली, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी निकाला, मगर यहां पर आपको पता है कि कौन सा फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 45 न्यूटन, ये भी निकाला, और एक्सेलरेशन कितनी निकली, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड इसकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है 1.5 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया ये, तो अब हमने क्या निकाला है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इन द सेम वे कॉन्टैक्ट फोर्स भी आप निकाल सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट है, एक है फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट, वो है 45 न्यूटन, तो 45 स्क्वायर, और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, वो है mg, वो है 10 × 10, वो हो गया 100, वो हो गया 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, कैलसी से मैं देखता हूं, तो ये आपको बनेगा 45 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ये बनेगा 109.7 न्यूटन। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, समझ में आया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी फ्रिक्शन पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आप क्या पहले निकालिए, आप पहले मैक्सिमम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है और कितना ये झेल सकती है। अगर वो मैक्सिमम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से कम लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी रेस्ट में होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी और फ्रिक्शनल फोर्स वही होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बॉडी रेस्ट में रहेगी, तो जो फ्रिक्शन उस टाइम आती है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन, कौन सा फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और अगर अब वो मोशन में आया तो फिर आपने काइनेटिक फ्रिक्शन पहले निकाल ली म्यू के एन के बराबर, और उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन विल गिव यू द नेट फोर्स, उसको बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करी, मास से डिवाइड करेगा, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। बट दिस विल बी द केस व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, उस टाइम आपने काइनेटिक फ्रिक्शन वाली रिलेशन भी निकालनी है। तो मैं चाहता था कि मैं और भी यहां पर क्लियर कर दूं, तो और भी टॉपिक्स एड करूं यहां पर, तो मगर टाइम इजाजत नहीं दे रहा। तो अब बचा यहां पर टॉपिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, और बचे दो इसके केसेस, तो मुझे लगता है कि दो लेक्चर और लग जाएंगे इसके। तो हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा कंप्लीट, और उसके बाद में वर्क एनर्जी एंड पावर भी उठाऊंगा, और वहां पर आपको रोटेशनल मोशन चल रही है, तो इंशाल्लाह विद इन 15 डेज आपका ए पेपर कंप्लीट हो जाएगा, विद इन 15 डेज, हाँ बिल्कुल। तो मतलब बाई 15th ऑफ, आज मई चल रहा है, बाई 15th ऑफ मई जून आपका ये पेपर कंप्लीट, तो उसके बाद बी पेपर के दो दो चैप्टर्स इकट्ठे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, शुक्रिया।